तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हां जी, सब कुशल मंगल? सब एकदम टकाटक चकाचक? फटाफट बताइए। देव, ऋतुजा, प्रेरणा, नेहा, गुड इवनिंग एवरीवन। इज एवरीथिंग ओके? जल्दी से बताओ। ऑडियो वीडियो ऑल गुड? सब एकदम बढ़िया? फटाफट बताइए। गुड इवनिंग सर, मस्त है, झकास है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब एकदम टकाटक है, सब एकदम टनाटन है। क्या आपने जो कल हमने पढ़ा उसको रिवाइज किया? क्या आपने कल जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज किया? सर कितना सारा पढ़ाया आपने, ठीक है, पहले दिन कितना सारा पढ़ाया आपने, हम कहाँ रिवाइज करेंगे। तो मैं हूं ना आपके साथ। आओ जल्दी से बैठ के बढ़िया तरीके से रिवाइज करें कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने जो क्लास की शुरुआत की थी वो कहां से की थी सर? वो हमने की थी ऑडिट की डेफिनेशन से। मैंने आपको सबसे पहले सिखाया क्या, व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट। तो हमने बोला फाइनेंशियल ऑडिट को याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका, इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। और ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन। नारे बाबा ना, ऑडिट का मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी 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 कौन किसकी? यारा द ईमान विस्की। सर किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी। अब ये एंटिटी कैसी थी? मैंने कहा जैसी भी हो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? सर हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे थे टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। वेयर सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। अल्टीमेटली अपने ओपिनियन के लिए हमने इतनी मेहनत की। क्या ये पूरी की पूरी डेफिनेशन अब आपको टकाटक बैठ गई है? हाँ सर। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी? ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे, एंटिटी कैसी है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। वेयर सच एग्जामिनेशन इज डन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स हैं, अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हमें ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने हैं, ठीक है। ये बेसिक बात हमने सीखी थी। फिर मैंने आपको ये वर्ड पकड़ा, फिर हमने इंडिपेंडेंट वर्ड पकड़ा और इसको खोल दिया। 1947 में देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब है ऑडिटर के अंदर पांच क्वालिटीज होनी चाहिए। सर ये पांच क्वालिटीज ऐसी हैं जो कोई प्रोफेशनल में हो, कोई भी प्रोफेशनल में वो पांच क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हमने ये क्वालिटीज क्या पढ़ी थी? ये क्वालिटीज हमने पढ़ी थी कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। सर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, जो भी क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का आप इज्जत करके चलेंगे, रिस्पेक्ट करके चलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बड़ा आसान था कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्जेक्टिविटी में हमने क्या कहा था? आपका डिसीजन नन ऑफ द अदर डिसीजन, यानी अपना डिसीजन खुद लो। जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है, जो आपके डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस आप लेंगे, आप उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर कॉम्प्रोमाइज किन तीन चीजों की वजह से हो सकता था? दो खुद की, एक दूसरे की। बोलो मेरे साथ, दो खुद की एक दूसरे की। सर खुद की क्या थी? खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बोलता था ना बीसी। सर बीसी का क्या मतलब है? खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दूसरे का अनड्यू इन्फ्लुएंस। दूसरे के अनड्यू इन्फ्लुएंस से हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आई का मतलब क्या था? इंटीग्रिटी। ऑडिटर कैसा हो? चालाक, बेईमान, झूठ, फरेब, ऐसा आदमी या सच्चा और अच्छा आदमी? सर मेरी तरह सच्चा और अच्छा आदमी। सच्चा और अच्छा मतलब ही शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ही शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट मतलब, ऑनेस्ट मतलब सच्चाई का देवता, सच्चाई का साथी। सच्चाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रुथ। तो मैंने कहा ट्रू के साथ बस फेयर भी बोल देना।
ट्रू के साथ बस फेयर भी बोल देना सर, ट्रू के साथ फेयर मतलब कहीं ना कहीं आपने ट्रुथफुलनेस भी रखना है, फेयर डीलिंग भी रखनी है, ट्रुथफुलनेस भी रखना है, फेयर डीलिंग भी रखनी है। एंड ट्रुथफुलनेस और फेयर डीलिंग के साथ साथ आप एक पॉइंट बोलेंगे, हम कभी भी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, किसी भी कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे जहां पे झूठ लिखा है या फिर जो लिखा होना चाहिए वो नहीं लिखा है। सर झूठ लिखा है यानी मटीरियली फॉल्स, मिसलीडिंग स्टेटमेंट लिखे हैं, झूठ झूठ झूठ, और वो इंग्लिश वाला अजीब सा नाम recklessly, these have been provided recklessly, और it omits the required information. जो information होनी चाहिए थी वो information नहीं है। तो मैंने कहा बाबू यहां तो इंटीग्रिटी की बैंडी बज जाए, ये सारी चीजें इंटीग्रिटी के लिए आपने ध्यान में रखनी थी। उसके बाद हमने प्रोफेशनल के बारे में दो पॉइंट डिस्कस करे थे, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कैसे आएगी, पहले तो अटेन करो फिर मेंटेन करो। देखो हर चीज सिर्फ अटेन करने से नहीं होती, मेंटेन भी करनी पड़ती है। आपको जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, उसके साथ अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो यू नीड टू अटेन एंड मेंटेन नॉलेज एंड स्किल। फिर से बोलो मेरे साथ, अटेन एंड मेंटेन नॉलेज एंड स्किल। जब आपने नॉलेज एंड स्किल को अटेन और मेंटेन किया तो आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट तो हो गए। बट ड्यू केयर वाला पॉइंट क्या था, एक्ट डिलीजेंटली, सोच समझ के, शांति से, दिमाग लगा के आपने अपने काम करने हैं। यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली एज पर द स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड्स सर, जितने भी हमारे टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से आपने काम करना है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। प्रोफेशनल बिहेवियर ने क्या कहा था, एक चीज करनी है एक चीज नहीं करनी है। आओ मेरे साथ, प्रोफेशनल बिहेवियर ने क्या कहा था, एक चीज करनी है एक चीज नहीं करनी है। क्या करना है, लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना है। क्या नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज मत करना जिससे हमारे प्रोफेशन की बदनामी हो, जिससे हमारे प्रोफेशन पर डिस्क्रेडिट आए। यही दो पॉइंट आपने ध्यान रखने थे प्रोफेशनल बिहेवियर में, एक चीज करनी है एक चीज नहीं करनी है। क्या करना है, कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। क्या करना है, कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। क्या नहीं करना, डोंट डू एनी एक्टिविटी विच ब्रिंग्स डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन। यहां हमारे पांच प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स कवर हो गए। सर इसके बाद एक बात लिखी है, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी, इंडिपेंडेंस कंप्राइज ऑफ बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपियरेंस। इसकी डिस्कशन अभी पेंडिंग है, ये डिस्कशन अभी हम करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। बट ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे एक राक्षस आया, बड़े बड़े बादल छाए, काले काले बादल छाए। उन काले बादल को क्या कहते हैं जल्दी से बताओ, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे जो काले काले बादल छाए थे उनको क्या कहते हैं सर, थ्रेट्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स की, बॉडी के थ्रेट्स को दूर कौन भगाए, देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है, अभी तो क्लास शुरू हुई है, चेक करना पड़ता है। बॉडी के थ्रेट्स को कौन दूर भगाए, साफी साफी, लेट्स ड्रिंक साफी। सर साफी का क्या मतलब था, पूछो मेरे से, साफी का क्या मतलब था, कहां गई साफी, ये रही। साफी का मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आपका क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तुमको क्लाइंट में दिलचस्पी है। तुमने वो गाना सुना है 36 चाइना टाउन का, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। तो आपको क्लाइंट में बड़ी दिलचस्पी है, आपका क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपने क्लाइंट में पैसा लगा रखा है। पैसा कैसे लगा रखा है, शेयर्स के थ्रू। क्या आपको एक पॉइंट याद है, आप बचपन क्या लॉ में एक सेक्शन पढ़ के आए हो, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। ये कहता है कि आपका अगर कंपनी के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आपने कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे एज एन ऑडिटर। क्या ये बात पता है? हाँ सर। तो ये कहता है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन्स और बोरिंग्स। और बताओ सर और क्या क्या तरीके थे। मैंने कहा फीस वाले दो पॉइंट याद रखना, हैवी डिपेंडेंस ऑन द फीस और कंटिंजेंट फीस। बाकी दो तरीके जो फाइनेंशियल रिश्ते के होते हैं वो है बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट आप ध्यान में रख के चलेंगे। इसी के साथ साथ आपका आता है सर सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या कहता है,
प्रवीण ने खुद पेपर लिखा, खुद ही चेक किया, तो नलायक कितने नंबर देगा? 100 में से 100। तो यही पॉइंट आपने याद रखना है, जो आपकी जजमेंट और कंक्लूजन है प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में, जो आपके जजमेंट और कंक्लूजन है प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में, आप खुद ही उसको रिव्यू कर रहे हो, तो बाबू ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी। सर इसके दो एग्जाम्पल क्या थे? आप कंपनी के डायरेक्टर और ऑफिसर रह चुके हो, फिर से बोल रहा हूं, आप कंपनी के डायरेक्टर और ऑफिसर रह चुके हो, यानी आपने कंपनी में बड़ी पोजीशन पकड़ी थी, तो हो सकता है आपका कंपनी में बोलबाला चलता हो। दूसरा, जिस चीज का आप ऑडिट कर रहे हो वो आप ही ने प्रिपेयर करी है, यानी यू आर परफॉर्मिंग द सर्विसेज दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चेक करने आए हो वो आप ही ने बनाए हैं, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करने आए हो वो आप ही ने बनाए हैं। तो अगर आप ऑडिट कर रहे हो किसका? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, तो फिर आप यहां पे फंस जाओगे। फिर से दो पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। यू हैव बीन रिसेंटली द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सेकंड थिंग, यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। आप ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, आप ही उसका ऑडिट करते हो, तो यहां दिक्कत आएगी ही आएगी। सर इसके बाद क्या आता है? एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड का क्या मतलब था? यू आर प्रमोटिंग। एडवोकेसी थ्रेड का क्या मतलब है? करो मेरे साथ, यू आर प्रमोटिंग। किसको प्रमोट कर रहे हो? क्लाइंट इंटरेस्ट को। इस कदर, सर इस कदर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टू अ पॉइंट। यू आर प्रमोटिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट टू अ पॉइंट दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सर इसके एग्जांपल क्या थे? एडवोकेसी थ्रेट का पहला एग्जांपल था एडवोकेट, और दूसरा एग्जांपल जो आपने इसमें ध्यान रखना था, यू आर डीलिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर्स है उनको आप प्रमोट कर रहे हो, तो मैंने कहा ये प्रमोट प्रमोट वाले दोनों पॉइंट याद रखना। यू आर डीलिंग इन द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, दूसरा यू आर एक्टिंग एज अ एडवोकेट ऑफ द कंपनी। फिर आता है सर फैमिलैरिटी थ्रेट। फैमिलैरिटी थ्रेट यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो बेसिकली अब क्या हो गया है? ला 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 ला, यू हैव फॉर्म्ड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, क्योंकि ये रिश्ता बन गया है। यू आर टू सिंपैथेटिक, ज्यादा ज्यादा सिंपैथेटिक हो गए हो, उधर से लॉस उसका होता है, आंसू आपके बहते हैं। तो मैंने कहा ये रिश्ते आए कैसे? मैंने कहा एक तो रिश्ता खून का रिश्ता, एक फॉर्म का रिश्ता, तीसरा रिश्ता किसका था? मैंने कहा था नहीं, बन गया। हमारे साथ स्कूल में भी होता था। सर स्कूल में क्या होता था? अगर आपका कोई दोस्त नर्सरी से लेके क्लास 10th और 12th तक आपके साथ रहता था, तो क्या आप उसके साथ भाई भाई वाली फीलिंग नहीं आती थी? जल्दी से बताओ। हाँ सर आती थी। तो मैंने कहा यही तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है, ब्लड का रिश्ता यानी क्लोज रिलेटिव, दूसरा आपका पार्टनर वाला रिश्ता, तीसरा रिश्ता बन गया बिकॉज ऑफ लॉन्ग एसोसिएशन। अब जब तीनों रिश्ते बन गए तो गिफ्ट्स भी आएंगे, हॉस्पिटैलिटी भी आएगी। सर हॉस्पिटैलिटी लिखा है, हॉस्पिटल नहीं, पहले ही बोल रहा हूं, हॉस्पिटल वो होता है जहां पे आप अपना इलाज कराते हो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब है? फैसिलिटीज। आपको बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज मिल रही है, तो आपने बोलना है क्या? इन तीनों रिश्तों में हमको क्या मिले? गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी। फिर से बोलो, गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी। यही पॉइंट आपने कहीं ना कहीं ध्यान में रख के चलने हैं। फिर लास्ट आता है इंटिमिडेशन थ्रेट। सर इंटिमिडेट करना मतलब सामने वाले को अनकंफर्टेबल कराना, उसको डराना धमकाना। डर से डराना, डर से डेटर्ड, डर से डराना, डर से डेटर्ड। ऑडिटर इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। वो ऑब्जेक्टिवली बेचारा काम नहीं कर पा रहा। सर क्यों नहीं कर पा रहा? आपने उसको थ्रेटन किया है, आपने बोला आप उसको निकाल दोगे, आपने बोला आप उसके ऊपर लिटिगेशन कर दोगे, दोनों थ्रेट किए तो बेचारे को प्रेशर आ गया, दोनों थ्रेट क्रिएट किए तो बेचारे को प्रेशर आ गया। सर प्रेशर किस चीज का? टू रिड्यूस द ऑडिट वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। आपने कहा मैं तेरे को फीस कम दूंगा, तो उस बेचारे को भी अब अपना काम कम करना पड़ रहा है, तो वो तमीज से काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है? पहला प्रेशर क्या था? पहला थ्रेट क्या था? कि आप उसको रिप्लेस कर दोगे। दूसरा थ्रेट क्या था? कि आप उसके ऊपर लिटिगेशन कर दोगे। जब ये दोनों थ्रेट क्रिएट किए तो बेचारे पे प्रेशर आ गया टू रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। फटाफट बताओ क्या पांचों के पांचों थ्रेट्स क्लियर है? आंसर इज यस। बट मेरा फेवरेट शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्या कहता है? वो कहता है प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नजरिए की है बात, बस सॉल्यूशन की है बात। तो मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता कितने भी थ्रेट्स हो, अल्टीमेटली हमें सेफगार्ड्स की बात करनी है। बट इस टॉपिक की ब्यूटी क्या है? ये बात सेफगार्ड्स की करता है, बट सेफगार्ड मिलेंगे नहीं। तो सेफगार्ड में क्या बोलेंगे? सीधा बोलो, ऑडिटर शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। इंडिपेंडेंस कैसे होगी? लिटिगे चाबी से।
सर चाबी का क्या मतलब है? की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बोलो मेरे साथ, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अयो मतलब इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर आप बोलोगे सर क्या, कल को अगर कोई थ्रेट आ जाए तो घबराना मत, आप ऑडिट एक्सेप्ट मत करना या फिर सेफगार्ड अप्लाई करना। बट अगर सेफगार्ड अप्लाई ना कर पाओ तो ऑडिट एक्सेप्ट मत करना। यही पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे, यही पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे। क्या मैं बोल सकता हूं आपको इंडिपेंडेंस की नॉलेज हो गई है? फटाफट बताओ, क्या ये इंटर रिलेशन ऑफ टॉपिक समझ आया? कहां से शुरू हुए थे, कहां पे एंडिंग करी? इज दिस पॉइंट क्लियर? भले ही कल हमें इस चीज को करने में 1.5 घंटा लगा, बट क्या अब 15 मिनट में हमने पूरा रिवाइज किया? फटाफट बताओ। दिस इज द पावर ऑफ मेमोरी टेक्निक्स, दिस इज द पावर ऑफ मेमोरी टेक्निक्स। सिर्फ समझ के कुछ नहीं होने वाला बाबू, सिर्फ समझ के कुछ नहीं होने वाला। हमको क्या बनना है? हमको रेंचो बनना है। हम समझेंगे भी और याद भी करेंगे, तभी ऑडिट में आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ? मजा आ गया सर, मजा आ गया, वेरी वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इसी के बाद आपने मुझे बोला था एक टॉपिक पढ़ाओ सर। सर टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। टॉपिक का नाम था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सारे बच्चों ने क्या कहा था कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के टाइम पे अपन ने क्या किया था? एकता कपूर को बुलाया। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के टाइम पे अपन ने क्या किया? एकता कपूर को बुलाया। आओ एकता कपूर की मदद ले। जो एकता कपूर वाली आंटी थी, जो एकता कपूर वाली आंटी थी, सर एकता कपूर वाली आंटी कैसे एटीट्यूड में थी? आंटी अलर्ट थी। जब घंटी बजी तो अलर्ट थी। उन्होंने शर्ट पे दाग देखा तो उन्होंने सवाल पूछा। सवाल पूछा यानी क्वेश्चनिंग माइंड। एंड तीसरा, फिर उस शर्ट को चेक किया कि एक्चुअल में वो सॉस है या कुछ और। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो यही 3 पॉइंट आपने याद रखने, एटीट्यूड, उसके बाद अलर्ट टू द सर्कमस्टेंसेस विच में इंडिकेट फ्रॉड। दूसरा पॉइंट क्या था बाबू? क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चनिंग माइंड। एंड तीसरा पॉइंट आपने इसमें ध्यान रखना है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब सर एक बात बताओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमको किन 4 चीजों को लेके अलर्ट रहना है? तो पहली चीज मैंने आपको बताई थी, एक ऑडिट डॉक्यूमेंट दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, बैंक की कंफर्मेशन कुछ और कह रही है। तो जब भी 2 डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो मेरे मन में सवाल उठेगा। जब भी 2 डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे मेरे मन में सवाल उठेगा। इट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड कहीं ना कहीं किसकी खुशबू आएगी? सर खुशबू आएगी फ्रॉड की। अच्छा एक बात बताओ, जो भी मैं ये स्लैंग्स बोलता हूं कि यहां पे आपको खुशबू आएगी, आप खुशबू वर्ड अपने नोट्स में लिखते हो नहीं लिखते हो? फटाफट बताओ, क्या आप खुशबू वर्ड अपने नोट्स में लिखते हो? बिकॉज अगर आप नहीं लिख रहे, आप ये सब बातें भूल जाओगे बाद में जाके, पहले ही बता रहा हूं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब भी मैं आपको 2 पॉइंट्स रिलेट करके तीसरे पे लेके आ रहा हूं, ये पॉइंट याद रखना, तभी आपको थर्ड पॉइंट याद आएगा सेकंड के बाद रिवीजन करते वक्त। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जब एक डॉक्यूमेंट दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कहीं ना कहीं आप उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो। तो किस पे खुशबू आ रही है? सर हमें खुशबू आ रही है फ्रॉड की। अब जब फ्रॉड की खुशबू आ रही है तो आपका काम बढ़ जाएगा। सर काम बढ़ जाएगा यानी नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर। अब इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ उई। सर उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है बट इंश्योरेंस नहीं ले रखी। दूसरा, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन। 9 महीने का कंट्रोल टेस्टिंग कर ली, 9 महीने के प्रोसेसेस देख लिए, तो क्या अगले 3 महीने के छोड़ दें? मैंने कहा नहीं, अगले 3 महीने के भी आपको देख के चलने पड़ेंगे। एंड तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा पॉइंट कहता है आई यानी इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस व्हाइल डिजाइनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपको लगता है यहां पे चांसेस है फ्रॉड के, अगर आपको लग रहा है चांसेस है गफले के, तो फिर आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो आप गलत अजम्पशंस नहीं लगाएंगे। यही बात हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में की थी। अब सर एक बात बताओ, इसी के साथ साथ हम लास्ट में गए किधर? हम गए थे ऐसे 200 पे।
ऐसे 200 की अब हमने स्टार्टिंग की थी, फटाफट पानी के दो घूंट लगाओ और अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे 200 का पार्ट। ये हमने कल एक बार डिस्कस किया था, वापस एक बार इसको दोहराएंगे और यहां से गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलो जी, ऑल सेट एवरीवन, रेडी? यस सर। अब हम आते हैं ऐसे 200 पे। ऐसे 200 का नाम क्या था सर? पहली बात तो मैंने आपको बताया ऐसे क्या है। ऐसे क्या है? ऐसे का मतलब है, फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यानी जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको यूज करके आप अपने अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंट सीखते हो, वैसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको ज्ञान देते हैं कि किस तरह से आपने ऑडिट करना है। और इनका जो प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड हमको समझाता है कि ऑडिटर अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगा, ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा, ये ऐसे 200 बताता है, ये ऐसे 200 बताता है। तो सर ऐसे 200 क्या है? ये पहली बात तो 200 नहीं है, ये 200 है, ये जीरो नहीं, ये ओ है। सर ओ का क्या मतलब है? मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी, फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ओ का मतलब है ओवरऑल, दूसरे ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। क्या ये ऑडिटर फीका फीका अच्छा लग रहा है या इसके आगे कुछ और लिखूं? क्या ऑडिटर फीका फीका अच्छा लग रहा है या इसके आगे कुछ और लिखूं? सर इसके आगे कुछ और लिखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। भाई साहब ऑडिटर ऐसा वैसा नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं वो आपको 5 प्रिंसिपल्स पता है, उनके थ्रेट्स पता है, उनके सेफगार्ड्स पता है, उसकी डिस्कशन अब मैं वापस नहीं करूंगा। बट ऑडिटर कैसा हो? हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। एंड ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होंगे पूछो मेरे से, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होंगे? सर ये अचीव होंगे व्हेन यू डू योर ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी अगर ऑडिटर को अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो वो क्या करे? सर वो अपना ऑडिट कंडक्ट करेगा, वो अपना ऑडिट कंडक्ट करेगा कैसे? इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यही बात आपने ध्यान रखनी है। क्या इतना बड़ा नाम अच्छा लग रहा है या इसको छोटा करूं? क्या इतना बड़ा नाम अच्छा लग रहा है या इसको छोटा करूं? सर इसको छोटा करो। तो मैं कहता हूं पूरे स्टैंडर्ड के पहले पहले अक्षर उठा लो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के पहले अक्षर क्या है? ओ ओ। इंडिपेंडेंट ऑडिटर के पहले अक्षर क्या है? आई ए। इसके पहले पहले अक्षर क्या है? तो मैंने कहा सी ए एस ए। तो ये क्या बन गया? सर ये बन गया उइया कासा। ये क्या बन गया? उइया कासा। सर उइया कासा का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बोलो मेरे साथ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होंगे? कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब सवाल उठता है ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने तो ये बात आपको ऑलरेडी बता दी कि इसको शेयर होल्डर्स को अपना ओपिनियन देना है, इसको शेयर होल्डर्स को अपना ओपिनियन देना है। सर शेयर होल्डर्स को ओपिनियन किस चीज को लेके? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हैं या नहीं। तो कल हमने इसकी डिस्कशन की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने इसका क्या मतलब है? दे आर फ्री फ्रॉम डैश, दे आर फ्री फ्रॉम डैश, दे आर फ्री फ्रॉम डैश। किस चीज से मुक्त है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस चीज से मुक्त है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जल्दी से बताओ क्या नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। जल्दी से सारे बच्चे लिखो चैट बॉक्स में, फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। लवण्या वेरी गुड, और कौन कौन है यहां पे? हर्षित,
मानसी नलायक, विनीत नलायक, प्रथम नलायक, रान्या वेरी वेरी गुड। और देखो कौन कौन अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं, प्रकाश नलायक। ये जितने बच्चे मिस स्टेटमेंट नहीं लिख रहे सारे नलायक, मिस स्टेटमेंट वाले समझदार हैं, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। या फिर यहां पे कुछ मिसिंग है, या फिर यहां पे कुछ मिसिंग है सर, मिसिंग है। मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से पड़ता है। अरे 10 रुपए की गलती के पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बजाओगे क्या? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अरे भाई साहब मिस स्टेटमेंट थोड़ी होगा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा। तो जितने बच्चों को मैंने नलायक बोला था सब सही थे, सबने एकदम सही आंसर दिया था, वेरी वेरी गुड। दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है। आओ मैं आपको एक बार इसका पूरा का पूरा रिवाइज कराऊं। ये कहता है आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस, आपको चाहिए संतुष्टि। अब सवाल उठता है रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, क्या आपके मन में सवाल आ रहा है कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? मैंने कहा हाँ हाँ आपने करेक्ट बोला था, वेरी गुड। अब इधर देखो रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है, क्या सवाल आ रहा है? हाँ सर, अभी इसकी डिस्कशन करेंगे 5 मिनट के बाद, ठीक है। रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज को लेके? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है सर। अब ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट किस चीज की वजह से हो सकती है? इट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और इट कैन बी ड्यू टू एरर। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। जब रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई तो आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, जब रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगी तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्या मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं? मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या था, कल हमने डिस्कशन की है ये आखिरी में। जब मैं बोलता हूं मिसस्टेटमेंट तो मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। अ डिफरेंस किसके बीच में? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए थे एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। हमारे स्केड्यूल 3, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए थे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी ने बनाए हैं उसमें डिफरेंस है। सर डिफरेंस किस चीज को लेके? ACPD, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। या तो अमाउंट में डिफरेंस है, या तो क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है, या तो प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, या तो डिस्क्लोजर में डिफरेंस है। और अगर मैं बोलूं मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, अगर मैं बोलूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए थे वैसे ही बने हैं, तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से ये नहीं कह सकता दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, आप तो कान ही पकड़ रहे हो, समझ रहे हो? कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, कान ही तो पकड़ रहे हो। तो क्या ये दोनों बातें सेम बात कह रही हैं? एक बार जल्दी से रीड करो और मुझे बताओ कि आपको ये फीलिंग आ रही है। एक तरफ मैं कहता हूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, एक तरफ मैं कहता हूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से ही बने हैं, क्या मैं कान को दोनों अलग अलग तरीके से पकड़ रहा हूं? जल्दी से बताओ। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? और जब आपने अपना ओपिनियन बना लिया कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, एफआरएफ का क्या मतलब है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्केड्यूल 3 के हिसाब से बने हैं, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हो और कम्युनिकेट कर सकते हो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर आप रिपोर्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एंड दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। क्या आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मेरे साथ लिखना चाहोगे? हाँ सर, हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपके साथ लिखना चाहेंगे। फटाफट नोट डाउन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस आई कैन सी योर मैसेज, इधर आ जाओ जल्दी से। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर SA 200, सबसे पहले हमें ऑब्टेन करनी है क्या? रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज को लेके? किस चीज को लेके? अभी आप रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब समझो, सेटिस्फेक्शन।
वी नीड टू बी सेटिस्फाई। सारे बच्चे मेरे साथ लिखना, ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फर्क पड़ता है। तो उन्हीं के लिए तो हम ऑडिट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो हम ऑडिट कर रहे हैं। तो जिस चीज से उनको फर्क पड़ता है उससे हमको भी फर्क पड़ता है। हम भी यही चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। एक बार जब आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? देन यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सर ओपिनियन किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। जैसा एप्लीकेबल एफआरएफ चाहता था वैसे ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। ठीक है, जब आपने, हाँ बच्चा कह रहे इंडिपेंडेंट नहीं लिखा, ओ माय गॉड सॉरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, जब हमारे पास ओपिनियन रेडी हो जाएगा फिर अपन क्या करेंगे? देन वी विल रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सेटिस्फेक्शन लिखा है, जल्दी से नोट डाउन करो। क्या मेरी हैंडराइटिंग अब थोड़ी साफ हुई कल से? क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था सर आपकी हैंडराइटिंग तो बड़ी खराब है, इससे खराब हैंडराइटिंग तो हमने आज तक नहीं देखी। क्या हैंडराइटिंग में थोड़ा सुधार आया? मैंने हैंडराइटिंग का कोर्स ज्वाइन किया तुम्हारे कहने पे। बताओ सर, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, वेरी गुड सर। मटेरियल के आगे क्या लिखा है? मटेरियल रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट्स मतलब इज्जत। ठीक है, मटेरियल रिस्पेक्ट्स, मटेरियल ही बेसिकली वो सही है। डन सर। नहीं सर आपकी हैंडराइटिंग तो आज भी खराब है नालायक। तुम बोलो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है तो इससे मेरा ना प्रोत्साहन बढ़ेगा, इससे मुझे मोटिवेशन आएगी कि मैं अपनी हैंडराइटिंग को और अच्छा करूं। हाँ आप तो मोती जैसी हैंडराइटिंग लिखते हो, वेरी वेरी गुड। मेरे को भी करना है सर हैंडराइटिंग का कोर्स। हाँ ऑडिट के साथ साथ हम तुमको हैंडराइटिंग का कोर्स भी कराएंगे, वेरी वेरी गुड। आ गई बात समझ। अब इसमें दो तीन शब्द पकड़ के उनके साथ खेलना शुरू करते हैं। एफआरएफ का मतलब, एक बच्चा पूछ रहा है एफआरएफ का मतलब है, ये पता नहीं मुझे बार बार क्यों बताना पड़ रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपका स्केड्यूल थ्री है, वही तो बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। तो उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाने। अब कई बच्चों के मन में सवाल आता है सर क्या ये रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, ये सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? तो आओ मैं आपको ऑडिट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, आओ मैं आपको ऑडिट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखो क्या कहता है ये रीजनेबल अश्योरेंस के बारे में, अपन ने यहां पे लिख भी रखा है। फटाफट आओ मेरे साथ आपकी नोट्स का पेज नंबर, अरे पेज नंबर कहाँ गया? ये रहा। देखो क्या कहता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। इसके पहले भी आई थिंक हमारे पास रीजनेबल अश्योरेंस के बारे में कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। यही है, क्या कहता है? देखो ये कहता है अगर आपको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो आपको लगेगा क्या? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर ये तो गेम ही हो गई हमारे साथ, ये तो गेम ही हो गई। हम रीजनेबल अश्योरेंस ढूंढने निकले थे, अब रास्ते में कौन मिल गया? हमको मिल गया
सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी अगर आज मैं आपको सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब बता दूं तो क्या आपको रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब पता चल जाएगा? आंसर इज यस। तो सर सफिशियंट का क्या मतलब है? सफिशियंट का क्या मतलब है? तो मैंने लगाया भंडारा, मैंने जैसे ही भंडारा लगाया, हमारे यहां भंडारा बोलते हैं, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, भंडारे का मतलब होता है जब भी कुछ पूजा कीर्तन होती है तो लंगर बांटा जाता है। लंगर में क्या मिलता है सर? पूड़ी मिलती है, पूड़ी के साथ सब्जी मिलती है, सब्जी के साथ हलवा मिलता है, हलवे के साथ रायता मिलता है, मजा आ जाता है। ठीक है, तो मैंने लंगर लगाया, तो एक बंदा आया, उसने चार पूड़ी खाई, मैंने कहा एक पूड़ी और लो, कह रहे मेरे लिए सफिशियंट है। एक बंदा आया, उसने 10 पूड़ी खाई, मैंने कहा एक और लो, कह रहे मेरे लिए सफिशियंट है। तो सर 6 और 10 क्या है? ये क्वांटिटी है। जब मैं बोलता हूं सफिशियंसी, इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी। कितना ऑडिट एविडेंस लोगे? कितना क, 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 कितना कितना ऑडिट एविडेंस लोगे तो उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है सर, अब ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? मैंने कहा दो चीजों पे। ये जो क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है, दिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स मेनली। सर कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ध्यान से सुनते जाना, ये बातें आपकी नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, अभी मेरे साथ समझ लो। पहला फैक्टर कहती है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा ये किस पे डिपेंड करती है? मैंने कहा दूसरा ये डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे। अब सबके मन में एक सवाल, ये कमबख्त रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? आओ मैं आपको समझाऊं। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब चांसेस, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब चांसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, यानी उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है बिफोर ऑडिट। अभी तो ऑडिट शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये जो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, ये कहता है कि व्हाट आर द चांसेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले ही मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। तो अगर ये चांसेस ज्यादा होंगे, तो बताओ क्वांटिटी क्या लोगे? ज्यादा लोगे कम लोगे? जल्दी से बताओ। अगर ये चांसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये ज्यादा है, तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो ज्यादा होगी या कम होगी? फटाफट बताओ, क्वांटिटी ज्यादा लोगे कम लोगे? कितना एविडेंस इकट्ठा करोगे? सबने एकदम बढ़िया बोला, ज्यादा। सबने एकदम सही बात बोली, सर इस केस में हमें ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, We will require more audit evidence in this case. Very, very good. क्या आपको risk of material misstatement और sufficiency का relation clear हुआ? If the risk of material misstatement is higher, you need more audit evidence. If the risk of material misstatement is less, you need less audit evidence. ये बात basically आपने ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है सर, अब बात करते हैं quality of audit evidence की। मैं आपको दो option देता हूं सर। ठीक है, दो ऑप्शन सिंपल से हैं, ये आपको याद नहीं रखने, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आधे बच्चों के मुंह में पानी आ जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की, टुडे यू हैव टू ऑप्शंस। एक तरफ घी वाले पराठे रखे हैं, एक तरफ नॉन घी पराठे रखे हैं। किसकी क्वांटिटी आप ज्यादा खा पाओगे? जल्दी से बताओ, किसकी क्वांटिटी आप ज्यादा खा पाओगे? घी वाले पराठों की क्वांटिटी ज्यादा खा पाओगे या नॉन घी वालों की क्वांटिटी ज्यादा खा पाओगे? बच्चे ने बोला घी वाली। कैसे?
घी वाले परांठे में एक परांठे में तुम्हारे पेट की बैंड बच जाएगी, मैक्सिमम दो। बट अगर मैं नॉन घी वाले पराठों की बात करता हूं, वो तो तुम चप 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 खाते चले जाओगे, क्योंकि वो हैवी थोड़ी होते हैं। जब मैं रोटी पे घी लगाता हूं वो हैवी हो जाती है, जब मैं पराठे पे घी लगाता हूं उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, वो हैवी हो जाती है। तो एक पराठे दो पराठे में ही पेट भर जाता है, ज्यादा पराठे नहीं खा पाओगे। बट जब मैं बात करता हूं नॉन घी वाले पराठे की, उसमें मान लो घी नहीं है बट टेस्ट वैसा ही है, ठीक है, तो क्वालिटी तो कम है बट आप क्वांटिटी कहीं ना कहीं ज्यादा खा पाते हो। आपके वो पेट को उतना लगता नहीं है, आपको उतना फुलफिलिंग वो फील होती नहीं है। तो मैं बोलूं, जब भी क्वालिटी अच्छी होगी, जब भी घी ज्यादा डला होगा तो कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा, जब भी घी ज्यादा डला होगा तब कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा। सो वेन एवर द क्वालिटी इज हायर, वेन एवर द क्वालिटी इज हायर, इवन लेस क्वांटिटी विल बी सफिशियंट, इवन लेस क्वांटिटी विल बी सफिशियंट। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जल्दी से बताओ हाँ या ना। हाँ, क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी है, तो अगर अच्छी क्वालिटी का ऑडिट एविडेंस है तो कम एविडेंस से भी काम चल जाएगा। अब सवाल उठेगा क्वालिटी चेक कैसे करेंगे, अब सवाल उठेगा चेक कैसे करेंगे। तो आओ जल्दी से इधर कंटिन्यू करते हैं, अब इधर कंटिन्यू करते हैं। अगला पार्ट है अप्रोप्रिएटनेस। इससे पहले मैं आपको एक बार सफिशियंसी रिवाइज करा देता हूं। सफिशियंसी का क्या मतलब था? क्वांटिटी। ये क्वांटिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। एक से क्या होता है, एक से क्वांटिटी बढ़ती है, एक से क्वांटिटी कम घटती है। अगर रिस्क ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बिफोर ऑडिट, तो आप ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठी करोगे। बट अगर क्वालिटी अच्छी है ऑडिट एविडेंस की, तो कम क्वांटिटी में भी काम चल जाएगा। तो आप बस इतना याद रखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होने से ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है, और अगर क्वालिटी अच्छी हो तो कम एविडेंस में भी काम चल जाएगा। यही दो पॉइंट आपने बस ध्यान में रखने हैं। फटाफट बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब सवाल आता है क्या अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर अप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी। अब ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? ये दो फैक्टर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये दो फैक्टर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। लिखने का समय दूंगा, अभी चुपचाप बस मेरी बात सुनते जाओ। हाँ, लिखने का समय दूंगा रिद्धि, जस्ट रिलैक्स बेबी, काम डाउन काम डाउन, थोड़ा सा समझ के फिर लिखते हैं, काम डाउन। अब इधर देखो, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ये किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सर ये डिपेंड करती है दो चीजों पे, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। अभी मैं थोड़ा आपका दिमाग खोलने वाला हूं, चुपचाप फोकस करना अगले 5 मिनट, ठीक है सर। रेलिवेंस का क्या मतलब है? रेलिवेंस का क्या मतलब है? इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डेटर्स। क्या आपने डेटर्स का नाम सुना है, जिनको आप क्रेडिट सेल करते हो? हाँ सर। ये जो डेटर्स हैं इनकी वैल्यू है मान लो 1000 रुपए, ठीक है सर। अब ये जो 1000 रुपए के डेटर्स हैं, मैनेजमेंट ने आपको बैलेंस शीट में कहा डेटर्स हैं 1000 रुपए, तो सर 1000 रुपए का क्या मतलब है? मैनेजमेंट आपसे कुछ बातें कहना चाहता है। सर क्या क्या बातें कहना चाहता है? पहली बात, 1000 रुपए के डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, इन 1000 रुपए के डेटर्स पे हमारी एंटिटी की राइट है। तीसरी बात, ये जो 1000 रुपए के डेटर्स है ये कंप्लीट है, हमने कुछ भी ओमिट नहीं किया है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वैल्यूएशन, जो वैल्यू हमने 1000 रुपए की बताई है ये एकदम टकाटक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ सर। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स हैं 1000 रुपए के। जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है डेटर 1000 रुपए के, तो आपने चार बातें मान ली। क्या? कि 1000 रुपए के डेटर एग्जिस्ट करते हैं एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, 31 मार्च 2023 को 1000 रुपए के डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ एंटिटी के पास राइट है। सर राइट किसको लेके? राइट टू रिकवर ₹1000 फ्रॉम दीज डेटर्स, ये एंटिटी के पास राइट है। प्लस कंप्लीट, नथिंग हैज बीन ओमिटेड, इसमें से कुछ भी ओमिटेड नहीं है,
सारे डेटर्स हमने इसमें कंप्लीटली कवर करे हैं। वैल्यूएशन का क्या मतलब है? वैल्यूएशन का मतलब है जो डेटर्स की वैल्यू थी उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने अच्छे से लेस किया है, तभी इसकी वैल्यू निकल के आई है। क्या ये चार बातें मैनेजमेंट लिख के देता है? फटाफट बताओ, क्या ये चार बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट लिख के देता है? आंसर इज नो। ये बातें मैनेजमेंट के दिल की हैं और तुम वो समझ लेते हो। मैं इनको क्या नाम दूं? सर आप इनको एक बड़ा अच्छा नाम दो जिसका नाम है क्या? अजर्शंस। इनका नाम है अजर्शन। सर अजर्शन किस चीज से बना है? एजर्ट करने से, बोलने से। अगर मैं बोलता हूं ऑडिट इजी है तो मैं एजर्ट कर रहा हूं कि ऑडिट इजी है। तो मैनेजमेंट भी जब लिखता है डेटर्स 1000 रुपए के हैं तो मैनेजमेंट एजर्ट कर रहा है, एजर्शन दे रहा है कि 1000 रुपए के डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, 1000 रुपए की मेरी राइट है टू रिकवर दिस अमाउंट, 1000 रुपए की अमाउंट कंप्लीट है प्लस 1000 रुपए की वैल्यू है। तो ये बातें क्या है? सर ये मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, ये मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। अब अगर आपको मैं बोलता हूं डेटर की वैल्यू चेक करो तो आप क्या चेक करोगे? आप ये सारी चीजें चेक करोगे। आप चेक करोगे क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, क्या हमारे पास एक्चुअल में उनकी राइट है टू रिकवर दिस अमाउंट, क्या ये 1000 रुपए कंप्लीट है कि नहीं, प्लस इसकी जो वैल्यूएशन है वो ठीक है कि नहीं। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जब मैंने बोला 1000 रुपए के डेटर चेक करो तो चेक क्या करोगे? डेटर या उसकी अजर्शन? सर हम उसकी अजर्शन चेक करते हैं, हम कभी भी अकाउंट बैलेंस को चेक नहीं करते, हम कभी भी पीएनएल के आइटम को चेक नहीं करते, हम उसकी अजर्शन को चेक करते हैं, जो बातें उसके अंदर छुपी हुई है उनको चेक करते हैं कि 1000 रुपए के डेटर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या एंटिटी की उसके ऊपर कोई राइट है या नहीं है, क्या एक्चुअल में वो कंप्लीट है कि नहीं है, क्या उनकी वैल्यू सही है कि नहीं है। इसको अपन बोलते हैं अजर्शंस। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो अभी मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि हर चीज की कुछ अजर्शंस होती हैं। हाँ सर अजर्शंस होती हैं। वो अजर्शंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को चेक करना है। अब मेरा आप सबसे सवाल, कैसे पता लगाओगे कोई डेटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? आपने उसको सेल्स करी होंगी। इधर देखो, अभी चैट बॉक्स को छोड़ दो, अभी मेरे पास देखो। अगर आपको चेक करना है डेटर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, मतलब आपने उनको सेल्स करी होंगी। जब भी सेल्स करी होंगी आपने उनको इनवॉइस किया होगा। हाँ सर। तो यहां पे मैं चेक कैसे कर सकता हूं? मेरे पास यहां पे इनवॉइस हो सकता है। दूसरी चीज, जब मैंने डेटर को सेल करी तो मेरे पास उसका परचेज ऑर्डर आया होगा। हाँ सर। तो मैं यहां पे पीओ देख सकता हूं, जो उसने मेरे को परचेज ऑर्डर दिया कि शुभम केसवानी जी आप ये माल हमको भेज दो, तो मैं उसका पीओ देख सकता हूं कि उसने मुझे परचेज ऑर्डर भेजा कि नहीं भेजा। ठीक है सर। फिर मैंने उसको इनवॉइस किया। साथ ही साथ एज अ ऑडिटर मैं डेटर को चिट्ठी लिख सकता हूं, मैं डेटर को मेल डाल सकता हूं कि डेटर एक बात बताओ 31 मार्च को आपका ये बैलेंस था कि नहीं, तो मैं डेटर से कंफर्मेशन ले सकता हूं। हाँ सर। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही है, ये एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही है, तो यहां एग्जिस्टेंस मेरा चेक हो जाएगा। हाँ सर। इसी तरह जब मैं बोलता हूं राइट टू रिकवर, कहीं ना कहीं यही के यही डॉक्यूमेंट्स यहां भी चल जाएंगे। हाँ सर। यही के यही डॉक्यूमेंट्स यहां भी चल जाएंगे। बट अब सवाल उठता है क्या कंप्लीटनेस के लिए भी यही डॉक्यूमेंट चल जाएंगे या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? मैंने कहा द आंसर इज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो आप उन डेटर्स की देखोगे जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर रखे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डेड है उनकी एग्जिस्टेंस चेक करोगे, उनका चेक करोगे कि हम इनसे रिकवर कर पाएंगे कि नहीं। बट हो सकता है मैनेजमेंट से कोई डेटर रह गया हो, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो डेटर 31 मार्च 23 को था? कोई बच्चा सोचना चाहेगा कैसे पता चलेगा 31 मार्च 23 को कोई डेटर रहा होगा और वो मैनेजमेंट से छूट गया है? मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ सर बताओ, ध्यान से समझो। अगर कोई डेटर 31 मार्च 23 को है यानी उससे पैसा आना है,
अगर पैसा आना है तो पैसा किसमें आएगा? बैंक स्टेटमेंट में आएगा। वेरी वेरी गुड, दो तीन बच्चों ने तो लिख दिया। तो मैं क्या कर सकता हूं सर? आप क्या कर सकते हो, आप अप्रैल मई जून इनके बैंक स्टेटमेंट्स उठा सकते हो, आप इनके बैंक स्टेटमेंट्स उठा सकते हो, और जितने भी क्रेडिट्स हुई है अमाउंट, जितनी भी अमाउंट्स क्रेडिट हुई है, चेक करो क्या उनमें कोई डेटर तो नहीं छुपा है, क्या उनमें कोई डेटर तो नहीं छुपा है। ये आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या कोई डेटर है जो एंटिटी से रिकॉर्ड करना रह गया हो। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ यस और नो, कंप्लीटनेस तक बताओ लिख के। क्या कंप्लीटनेस वाली बात समझ आई? प्लीज टेल मी फास्ट, क्या कंप्लीटनेस तक एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। अब आता है सवाल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। हम जो प्रोविजन बनाते हैं, ये आपने अकाउंट्स में भी सीखा है, इट डिपेंड्स ऑन द एजिंग ऑफ द डेटर्स। सर एजिंग का क्या मतलब है? डेटर कितने टाइम से ड्यू है? सम डेटर्स आर ड्यू फॉर लेस देन 6 months, सम आर ड्यू फॉर 6 months टू 1 year, सम आर ड्यू फॉर 1 year टू 3 year, एंड सम आर ड्यू फॉर मोर देन 3 year। जितना पुराना डेटर उतना ज्यादा प्रोविजन बनेगा, जितना पुराना डेटर उस हिसाब से उसका प्रोविजन बनेगा। तो मैंने कहा यहां पे हम डेटर की एजिंग लेंगे, उस एजिंग के हिसाब से हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में प्रोविजन सही से बना है या नहीं, एक्चुअल में प्रोविजन उस हिसाब से सही से बना है कि नहीं। तो मैं एक बात बोलूं, जैसी अजर्शन वैसा आपको ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ रहा है, जैसी अजर्शन वैसा आपको ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ रहा है। हर अजर्शन के लिए हर ऑडिट एविडेंस नहीं चलेगा। जब आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी थी तो आपने इनवॉइसेस लिए, उसका परचेज ऑर्डर देखा, अपना सेल्स ऑर्डर देखा, साथ ही साथ उससे कंफर्मेशन ली। फिर आपको चेक करना था राइट टू रिकवरी, फिर आपने वही चीजें उठाई तो इससे ये भी पता चल गया। इसी के साथ कंप्लीटनेस चेक करनी थी तो मैंने कहा कोई डेटर छुपा हुआ हो सकता है जो एंटिटी ने दिखाया नहीं, तो मैंने क्या करे सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट देखे। अप्रैल का बैंक स्टेटमेंट देखा, मई का बैंक स्टेटमेंट देखा, जून का बैंक स्टेटमेंट देखा, तो उसके हिसाब से मैंने देखा कि कहीं कोई क्रेडिट आया हो तो हो सकता है वो डेटर का हो जो इन्होंने रिकॉर्ड ना किया हो। इसके बाद जब बात आई वैल्यूएशन की तो मैंने कहा वैल्यूएशन में मुझे चेक करना है प्रोविजन ठीक से बनाया है कि नहीं, तो वो प्रोविजन इन सब चीजों पे डिपेंड थोड़ी करेगा, वो इसकी एजिंग पे डिपेंड करेगा। तो क्या मैं बोलूं आप अजर्शन के हिसाब से रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ले रहे हो? फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझना, आप क्या कर रहे हो, ये जो अजर्शंस हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, एंटिटी की राइट है, कंप्लीट है, वैल्यू सही है, जैसी अजर्शन वैसा ऑडिट एविडेंस, जैसी अजर्शन वैसा ऑडिट एविडेंस, यानी योर ऑडिट एविडेंस शुड बी रेलिवेंट टू द अजर्शन, योर ऑडिट एविडेंस शुड बी रेलिवेंट टू द अजर्शन। इतनी सी बात समझाने के लिए मुझे ये सारी डिस्कशन आपके साथ करनी पड़ी। फटाफट बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है, यस और नो? प्लीज टेल मी फास्ट। अजर्शन का क्या मतलब है सर? अजर्शन का मतलब है ऐसी चीजें जो मैनेजमेंट ने कही और तुमने सुन ली। मैनेजमेंट ने कहा डेटर्स हैं 1,000 रुपए के, इसका क्या मतलब है 1,000 रुपए के डेटर एग्जिस्ट करते हैं, अजर्शन नंबर वन। 1,000 रुपए के डेटर पे आपकी राइट है, अजर्शन नंबर टू। 1,000 रुपए के डेटर कंप्लीट है, कोई डेटर छूटा नहीं है, अजर्शन नंबर थ्री। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? 1,000 रुपए की वैल्यू ठीक है, इस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, अजर्शन नंबर फोर। ये सारी क्या हो गई सर? ये अजर्शंस हैं और कुछ नहीं है। क्या रेलिवेंस वाला पॉइंट समझ आया? फटाफट बताओ यस और नो। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस। अप्रैल मई और जून कब के? ऑब्वियस ही बात है 2023 के। 31 मार्च के बाद के आप लोगे तभी आपका काम होगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर, अब सवाल उठता है किसका? रिलायबिलिटी का। बस लास्ट टॉपिक, बस लास्ट टॉपिक, उसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। रिलायबिलिटी मतलब क्या आप ऑडिट एविडेंस पे भरोसा कर सकते हो या नहीं? क्या आप ऑडिट एविडेंस पे भरोसा कर सकते हो? मोर डिस्कशन,
मोर डिस्कशन इन SA500, SA500 में इसकी डिस्कशन और ज्यादा होगी। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करते जाओ और मुझे बताते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्विकली नोट इट डाउन, जैसे ही पार्ट वन हो जाए मुझे बताना। पार्ट वन डन, फिर मैं आपको पार्ट टू नीचे दिखाऊंगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो। सर हॉर्न बजा दो। यस हॉर्न बजा देते हैं। नोट इट डाउन, पार्ट वन डन, जल्दी से बताओ। दिस पार्ट इज डन फॉर ऑल। अब पार्ट टू लिख लो। हर्ष कह रहे हैं नॉट डन येट। यार सर इतना फास्ट होता क्या? नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, लिखो जल्दी लिखो। इधर आओ इधर आओ सारे बच्चे, लिखो। मैं गौरी का डाउट लेता हूं। गौरी 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 कहती है डेटर की कंप्लीटनेस के लिए क्या करो, एक एंटिटी जो साल भर में हजारों करोड़ों सेल्स करती हैं, वो सारे इनवॉइस उठा लो, एक एक इनवॉइस को चेक करो, क्या माल गया किसका पैसा आया, क्या माल गया किसका पैसा आया, क्या माल गया किसका पैसा आया। गौरी एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत आती कहां से है? हमारे पास तो नहीं आती पूरे दिन में इतनी फुर्सत। क्या मैं ऑडिटर इतना वेला हूं कि मैं एक एक इनवॉइस बैठ के चेक करूं? कैसी बातें करती हो गौरी 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 गौरी, एक एक इनवॉइस चेक करूंगा कि इसका पैसा आया, इसका पैसा आया, इससे अच्छा मैं बैंक स्टेटमेंट देख लूं, इससे अच्छा मैं बैंक स्टेटमेंट देख लूं कि बैंक स्टेटमेंट में किस किस का पैसा आया, जिसका पैसा आया क्या वो मेरा डेटर था। ये आसान काम है। तुम जो कह रही हो वो सुनने बोलने के लिए अच्छा है बट प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, एक साल में एक ही ऑडिट नहीं करना है, बहुत सारे ऑडिट करने, बहुत पैसा छापना है। अब जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है? फटाफट बताओ। तुमको जितना बताया जा रहा है ना अभी उतना देखो, फ्रॉड पकड़ने चले हो। अभी तुमको नींबू शरबत बनाना नहीं आता, तुम वर्जिन मोइटो कैसे बनाओगे? मुझे एक बात बताओ, अभी तुम नींबू शरबत बनाना तो सीखो, फिर वर्जिन मोइटो सिखाएंगे तुमको। अभी पहले बेसिक लेवल पे चलो, पहले 1 2 3 सीख लो, फिर मैं तुमको वेक्टर एलजेब्रा कराऊंगा। ठीक है, हो गया। अब बच्चों ने बोल दिया नेक्स्ट पेज, जिसने नहीं लिखा भाई तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, फटाफट यहां से नोट डाउन करो। हां श्याम, मुझे तुमका तुम्हारा मैसेज दिख रहा है बट मैं तुम्हारे मैसेज को देख के करूं क्या? कुछ अच्छी बात तो लिखो। ओके ओके सर, गुस्सा नहीं करना। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तुमको समझा रहा हूं। एई का मतलब है ऑडिट एविडेंस। एई कहां लिख दिया मैंने? अच्छा, जब मैं बोलता हूं ना तब तुम सुनते नहीं हो।
AE का मतलब है ऑडिट एविडेंस, यहां पे लिख दूं तुमको और आसानी हो जाएगी, AE ऑडिट एविडेंस। डन डना डन डन, फटाफट। हर्षित कह रहे सर कल से ज्यादा मजा आ जा रहा है। हाँ मुझे भी कल से ज्यादा मजा आ जा रहा है, सबको कल से ज्यादा मजा आ जाएगा। लिख लिया। एजिंग ऑफ डेटर लिखा यार, एजिंग ऑफ डेटर्स, डेटर्स कितने बूढ़े हो चुके हैं। शाबाश, गई सर दिमाग में बात। अब मैं इसको थोड़ा समराइज करूं। हाँ सर समराइज करो। अब मास्टर जी थोड़ा सा समराइज कर दो, बहुत सारी बातें आपने लिखवा दी, अब इधर आ जाओ। हाँ किसी के उड़ाने का मजा अलग ही आता है, इधर आओ तुम नालायक। अभी तक मैंने तुमको क्या सिखाया सर? आपने हमको सिखाया SA 200। SA 200 का क्या मतलब था? उइया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बस इतनी सी बात मैंने आपको समझाई थी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बोला क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री। सर किससे फ्री हैं? फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं। बस इतनी सी बात आपने समझनी थी। अब चुपचाप यहां पे देखो, जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगी तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। सर उसके बाद पहले कान यहां से पकड़ा, अब कान यहां से पकड़ेंगे। मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल FRF। जब ओपिनियन रेडी हो गया तो फिर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सारे बच्चे मुझे थम्स अप दो, सारे बच्चे मुझे थम्स अप दो, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट। विक्रम ने मुझे पकड़ लिया, विक्रम ने मुझे पकड़ लिया। अब देखते बाकी बच्चे कहां फंसते हैं, देखते कितने नलायक आए हैं क्लास में। वेरी वेरी गुड संजय नलायक, कशिश नलायक, प्रियांशी नलायक, और देखो कितने नलायक आए हैं। नेहा, हर्ष, एक से बढ़कर एक नलायक भेजे हैं। लवीशा, मानसी, पलक, कैफ, शवानास, मोहम्मद, गौरव, नेहा, हट, और कौन है? अब जाके इन्होंने मुझे पकड़ा, अब जाके इन्होंने मुझे पकड़ा। कैफ खान वेरी गुड, प्रकाश वेरी गुड, दुष्यंत वेरी गुड, तुम दुष नहीं हो, तुम बड़े ही अच्छे इंसान हो। गौरव वेरी गुड। अरे बाबू ये रिस्पेक्ट्स होगा या मटेरियल रिस्पेक्ट्स? सर मटेरियल रिस्पेक्ट्स। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मास्टर जी? इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआर। तो ये पॉइंट आपने बस ध्यान में रख के चलने। फिर मैंने आपसे पूछा रीजनेबल अश्योरेंस कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी सेटिस्फेक्शन? सर ऑडिट एविडेंस से ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ऑडिट एविडेंस से। मैंने कहा ऐसा वैसा ऑडिट एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ओ सॉरी सॉरी दुष्यंत, सॉरी सॉरी। अब इधर देखो सर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? सफिशियंट का मतलब होता है क्वांटिटी। वेरी वेरी गुड। ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या चांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो?
दूसरा ये डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी, अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी कम लगेगी। तो एक चीज क्वांटिटी को बढ़ाती है, एक चीज क्वांटिटी को घटाती है। वेरी वेरी गुड। अब आती है बात एप्रोप्रिएटनेस की। एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी का मतलब है रेल रेल। क्वालिटी का क्या मतलब है रेल रेल? सर रेल रेल मतलब एक रेल का मतलब है रेलिवेंस, एक का मतलब है रिलायबिलिटी। आई बात समझ? ये दो पॉइंट्स बेसिकली मैंने आपको सिखाए। अब रेलिवेंस किस सेंस में? ऑडिट एविडेंस इज रेलिवेंट टू द अजर्शन बीइंग टेस्टेड। जिस अजर्शन की आप टेस्टिंग कर रहे हो उसके हिसाब से आपने देखना है कि ये रेलिवेंट है या नहीं। रिलायबिलिटी मतलब क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं या नहीं। इतनी सी बात मैंने आपको समझाई, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? फटाफट बताओ यस और नो। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक? सारे बच्चे रेडी लिखेंगे, अब सारे बच्चे रेडी लिखेंगे, फटाफट बताओ। कम ऑन एवरीवन। मैं कह रहा था आधे बच्चे बिंगो खा के आते हैं। सर बिंगो खा के आते हैं मतलब बिंगो की एड आती थी ना, ईट फिर रिपीट, ईट फिर रिपीट। मैंने कम से कम 10वीं बार ये पॉइंट समझाया है, 11वीं बार बच्चा कहता है रिपीट। अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? कम से कम 10 बार मैंने यही सेम चीज पढ़ा दी। पहले पहले पढ़ाई, फिर वो लिखवाई, लिखवाने के बाद वापिस रिपीट कराई। अब बच क्या गया? बिंगो, ईट फिर रिपीट, ईट फिर रिपीट। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो पूछो, मैं तुमको बताऊंगा। बट तुम ऐसे थोड़ी है कि कभी भी कुछ भी मजे लोगे, ठीक है? सो दैट इज हाउ इट शुड वर्क। गॉट इट सर। अब सवाल आता है कि आपने हमको जो पढ़ा है वो नोट्स में कहां लिखा है, तो देखो क्या कहता है। यू हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। आप अपने ऑडिट रिस्क को कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेबल लो लेवल पे नीचे लेके आना चाहते हो। एंड ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन। क्या मैं आपको ऑडिट का एक बार प्रोसेस समझाऊं? हाँ सर, एक बार प्रोसेस समझाओ हमको फटाफट। देखो सर ऑडिट का प्रोसेस क्या है। अगर आज आपको कोई पूछे ऑडिट का प्रोसेस क्या है तो ध्यान से समझना, ऑडिट का पूरा प्रोसेस समझ में आता है। आ गया। अब ये देखो, पहले तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करेगा। पहले तो ऑडिटर विल एक्सेप्ट द ऑडिट कि भाई हां आज से मैं तुम्हारा ऑडिट करता हूं। फिर ऑडिटर क्या करेगा? वो करेगा इसकी प्लानिंग। जैसे आप अपने सीए इंटर के एग्जाम्स की प्लानिंग करते हो, पहले हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, फिर हम लॉ पढ़ेंगे, फिर हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, फिर कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ये भी क्या करेगा? सर ये भी प्लानिंग करेगा। अब ये प्लानिंग किसकी करेगा? आप प्लानिंग करते हो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्टडीज। ये प्लानिंग करेगा किसकी? नेचर, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अभी समझते जाओ, एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी जिन तरीकों से इसको ऑडिट एविडेंस मिलेगा, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझो। जिन तौर और तरीकों से इसको ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है, ये उन ऑडिट प्रोसीजर्स की प्लानिंग करेगा। जब इसने प्लानिंग कर ली आपकी तरह, अब आप क्या करते हो? सर अब हम पढ़ाई करते हैं, तो ये भी क्या करेगा? ये भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ही विल ऑल्सो परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। ही विल ऑल्सो परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। मुझे एक बात बताओ, इसने ऑडिट प्रोसीजर्स करे क्यों थे? इतने ऑडिट प्रोसीजर्स करे क्यों थे? सर ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। तो अगला स्टेप क्या होगा? सर अगला स्टेप होगा कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो इसके ऑडिट एविडेंस इसको चाहिए, उस ऑडिट एविडेंस को ये इकट्ठा करेगा।
उस ऑडिट एविडेंस को ये ओब्टेन करके चलेगा, इसीलिए इसने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया। अब जब ऑडिट एविडेंस आ चुका है देन ही विल इवेल्युएट, देन ही विल इवेल्युएट। सर क्या इवेल्युएट करेगा? क्या ये सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं, क्या ये सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है कि नहीं, यानी इसकी क्वांटिटी एडिक्वेट है, इसकी क्वालिटी ठीक है, इसकी क्वांटिटी एडिक्वेट है, इसकी क्वालिटी ठीक है, यानी अब ये क्या कर रहा है सर, ये इसके ऊपर कंक्लूजन निकालेगा। एंड बेस्ड ऑन द कंक्लूजन, एक बार अगर इसको लगता है सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई है, मैंने बोला इवेल्युएट करेगा सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, तुमने क्या सुना? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस भी तो सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ही थी, तो ब्रैकेट में आप कहने को लिख सकते हो कि ये चेक करेगा रीजनेबल अश्योरेंस मिली या नहीं। जैसे ही रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगी तो ये क्या देगा, ऐसे 200, पहली लाइन रीजनेबल अश्योरेंस के नीचे क्या आता था, ओपिनियन, तो फिर ये अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा एंड रिपोर्ट करेगा एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर ये अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा और रिपोर्ट करेगा एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ऑडिट का चक्रव्यूह क्लियर है, जल्दी से बताओ हाँ या ना। इज द ऑडिट चक्रव्यूह क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले क्या किया, ऑडिट एक्सेप्ट किया, फिर सारे टीम मेंबर्स के साथ बैठे प्लान किया कि ऑडिट एविडेंस कैसे कैसे इकट्ठा करेंगे। ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स। ही विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे तो क्या मिला, ऑडिट एविडेंस। ही विल ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। फिर ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट किया कि सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट है कि नहीं, यानी चेक कर रहा है रीजनेबल अश्योरेंस मिली या नहीं। जैसी रीजनेबल अश्योरेंस मिली, ओपिनियन दिया एंड रिपोर्ट किया एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फटाफट इसको नोट डाउन करो, गिविंग यू 30 seconds, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाओ गुरु, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। समृद्धि इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, पहले आप मार्क्स लाते हो या पहले पढ़ाई करते हो? मेरा सबसे सवाल है, ये सबसे सवाल है, आप पहले मार्क्स लाते हो या पढ़ाई करते हो? सर पहले पढ़ाई करते हैं। जब हम पढ़ाई करेंगे, कहां कहां से आते हैं बच्चे, जब हम पढ़ाई करेंगे तभी तो मार्क्स आएंगे। फिर चेक करो मार्क्स उतने कि आप पास हो पाओगे। बच्चा कह रहा है सर क्या पहले मार्क्स ले लो फिर पढ़ाई कर लो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। एविडेंस पहले लेंगे फिर प्रोसीजर कैसे परफॉर्म कर सकते, तुम कैसी कैसी बातें करते हो यार, कौन सोचता है ऐसे। तुम पहले पढ़ाई करोगे तभी तो मार्क्स आएंगे, और जब मार्क्स आएंगे तो चेक करो क्या ये सफिशियंट है पास होने के लिए। अगर पास होने के लिए सफिशियंट है तो बाहर निकलो, ठीक है, फिर जाओ फाइनल लेवल पे। तो आप क्या करोगे सर, आप इस केस में सबसे पहले तो पढ़ाई करोगे। जब एक बार आपने पढ़ाई करी, परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर, फिर ऑडिट एविडेंस मिलेगा ना, फिर ऑडिट एविडेंस को चेक करो वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं, उसके हिसाब से आप अपना ओपिनियन बनाओगे। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, इतनी सी बात में बताओ क्या कोई दिक्कत है कि नहीं, बाकी बातें अपन आगे करेंगे। क्लियर है यहां तक पॉइंट? हाँ, ऑडिट प्रोसीजर मींस कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर मींस कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, यही एक तरीका है एविडेंस को कलेक्ट करने का। हाँ, आई बात समझ? बच्चा कह रहा है फीस पहले मिलेगी या बाद में, तुमको तो नहीं मिलेगी, ठीक है, तुम काम पे ध्यान नहीं देते, तुम्हारा ध्यान फीस में, तुमको कोई क्लाइंट नहीं अपॉइंट करने वाला एज ऑडिटर। क्लियर है सर? अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आ जाओ फटाफट अपने नोट्स पे, देखो क्या कहता है। ऑडिटर शैल ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, इसके लिए वो क्या करेगा, सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल।
रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिली तो क्या होगा, इसकी अपन आगे बातें करेंगे, अभी यहां पे फोकस करो। टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल एंड ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन, क्या यही प्रोसेस मैंने आपको बताया? पहले एविडेंस आएगा, एविडेंस के बाद क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन के बाद ओपिनियन आएगा, यही तीन स्टेप प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ है। अब रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है, क्या ये गारंटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं? द आंसर इज नो, इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। एज अ ऑडिटर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, एज अ ऑडिटर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ठीक बने, चकाचक बने, नारे बाबा ना, मैं आपको सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता हूं, मैं आपको एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे सकता हूं, 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता, 100% गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं। तो अगर आईसीआई आपसे पूछता है रीजनेबल अश्योरेंस, क्या रीजनेबल अश्योरेंस एब्सोल्यूट अश्योरेंस है? नहीं। क्या रीजनेबल अश्योरेंस 100% गारंटी है? नहीं। इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इतनी देर से मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन, जिससे ऑडिटर किस पे अराइव करता है, कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन से कहां जाता है, ओपिनियन पे। क्या वो एक डायग्राम ने ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया? क्या वो एक ही डायग्राम ने पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया? आंसर इज यस। अब सर एक बात बताओ, सफिशियंसी का क्या मतलब है, एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब है? ये आपने ऑलरेडी मेरे साथ नोट डाउन कर लिया, ये आप ऑलरेडी मेरे साथ नोट डाउन कर चुके हो, इसके बारे में और डिटेल चर्चा होगी ऐसे 500 में। तो रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है, इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, मिलेगी कैसे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस से क्या निकला, कंक्लूजन, कंक्लूजन से क्या निकला, ओपिनियन। दूसरी चीज, ऑडिट एविडेंस क्या है, जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके ऑडिटर कंक्लूजन निकालता है उसके बाद ओपिनियन बनाता है, उसी को अपन ऑडिट एविडेंस कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है, क्लियर है? अब मेरा आप सबसे सवाल, एज एन ऑडिटर आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो, एज एन ऑडिटर आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो, आप रीजनेबल अश्योरेंस के साथ क्यों जा रहे हो, आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे? इसका आंसर मिलेगा ब्रेक के बाद, इसका आंसर मिलेगा ब्रेक के बाद। So we'll be right back after the break. 15 minutes का ब्रेक है, 15 मिनट के ब्रेक के बाद आओ और मैं आपको इसका आंसर देता हूं, क्यों ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, क्यों ये बेचारा एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले पाता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो जाओ, रिलैक्स योरसेल्फ, रिफ्रेश योरसेल्फ एंड आफ्टर द ब्रेक मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। बड़ा ही मजेदार टॉपिक आने वाला है।